उसे लिटा के ही मारा गया है और शायद फिर लटकाया गया कि उसे मार के कहीं सिर्फ लिटा दिया गया था। सुशांत केस जो चल तो बहुत समय से रहा है, पर दावा होता है कि जब किसी केस में दम नहीं होता तो उसमें कई सारे सबूत मिल जाते हैं और वो केस सॉल्व हो जाता है। पर सुशांत केस में जब कई सारी बातें सोशल मीडिया से लेकर मीडिया ने दिखाई और कई सारी सबूत निकल के आए बाहर, उसके बाद भी आज ये मामला पेंडिंग है और इस मामले में अभी तक कोई भी बड़ी खबर निकल के ना आना कई बड़े सवाल उठाती है कि आखिरकार कई बड़ी चीज़ें निकलने के बाद भी आज ये मामला सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक। और इसीलिए इस मामले में दावा होता है कि 2.5 साल से इस मामले में जांच तो हो रही है, पर वो जांच कहां तक पहुंची है कोई नहीं जानता। पर उस घर में जो 4 लोग मौजूद थे, सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर, क्या उसमें से एक इंसान सरकारी गवाह बन चुका है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम शेखर सुमन जी की बात सुने तो उनके बात में दम है कि आखिरकार इस मामले में कई सारे सवाल उठे, सुशांत सिंह राजपूत के जाने की खबर निकल के आई, कई सारी कहानियाँ बताई गईं, पर उन्होंने कहा कि जो लोग कहानियाँ रच रहे थे वो लोग अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिख पाए या फिर अच्छे से स्क्रिप्ट याद नहीं कर पाए। और ये शब्द उन्होंने उनके लिए बोला जो सुशांत के घर में स्टाफ मेंबर काम करते थे, क्योंकि आप सबको याद होगा सुशांत केस में कई सारी खबर निकल के आने के बाद उनके घर में रहने वाले जो स्टाफ मेंबर थे उनके बयान अलग अलग निकल के आ रहे थे। कोई कह रहा था उन्होंने जूस इस समय पिया, कोई कह रहा था उन्होंने केला इस समय मांगा, कोई कह रहा था उन्होंने नारियल पानी मांगा, कोई कहता है मैं सुबह 6 बजे या 7 बजे से कुत्ते को घुमाने लेके गया था। तो कई सारी बातें बताने के बाद बहुत सारे सवाल शेखर सुमन जी ने भी उठाए थे और इस मामले में सवाल तो पिछले 2 साल से उठ ही रहे हैं। हाल ही में रूप कुमार शॉ जी निकल के आने के बाद तो कई सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं कि आखिरकार इस मामले में देश की जनता की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। एक बार बड़ी बड़ी एजेंसीज की आंखें धोखा खा सकती हैं, पर देश की जनता की आंखें, क्योंकि देश की जनता की आंखों में करोड़ों आंखें हैं और करोड़ों अरबों आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती कि किसी इंसान से गलत हो और करोड़ों आंखों से पर्दा छुप जाए। और यहीं पर अगर हम शेखर सुमन जी की बात करें तो आप सुनिए किस तरीके से उन्होंने कई बड़े खुलासे करे थे इस मामले को लेकर। शुक्रिया अदा करना चाहिए उस इंसान का जिसने गैर कानूनी तरीके से सुशांत सिंह की तस्वीर जो है वो पोस्ट कर दी, जिसने सारी कहानियां कह डाली। अव्वल तो ये कि मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि जो उनके लटकने की जो थियरी है कि वो लटक के मरे, ही हैंग्ड हिमसेल्फ टू डेथ, तो वो हैंगिंग की तस्वीर आज तक किसी ने देखी नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी दुर्घटना जिस घर में हुई और जहां 5-6-8 लोग थे, उसमें से किसी ने भी अपना फोन निकाल के कैमरे से एक भी तस्वीर नहीं ली, जबकि ये जानते हुए कि जब वो उस बॉडी को नीचे उतार रहे थे वो गैर कानूनी था, उनको पुलिस के आने तक का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन चलिए, गिविंग देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि उन्होंने सोचा कि शायद ये जिंदा हो सकता है, उसे नीचे उतार के हम बचा सकते हैं, फिर भी किसी को एक तस्वीर तो लेनी चाहिए थी कि आज के जमाने में ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह, आप कोई भी इकट्ठा देखते हैं सबसे पहले उसकी तस्वीर निकाल लेते हैं, छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, तो ये तो उनको करना चाहिए। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी ने उसकी तस्वीर नहीं ली। लिहाजा जो थ्योरी आगे प्रोपेगेट की गई थी कि ही वाज हैंगिंग बाय द फैन, ना वो फैन दिखा, ना वो सीलिंग दिखी, सिर्फ वो एक कटा हुआ कपड़ा दिखा, जिस पर भी इतना सारा शक जाता इस वजह से कि वो कपड़ा का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मुंबई पुलिस जो है मैं बताने वाली थी कि क्या है, आज 1 महीने से ऊपर हो गया, उस कपड़े का टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें नहीं बताया गया कि वो 85 किलो का भार ले सकती थी या नहीं। फिर गले में जो निशान थे वो कपड़े के चौड़े निशान होने चाहिए, वो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल और सिलिंड्रिकल वो निशान था, वो किसी और इशारा कर रहा था कि उसे लिटा के ही मारा गया है और शायद फिर लटकाया गया। मैं तो ये मानता भी नहीं कि उसे लटकाया, मैं तो यही मानता हूँ क्योंकि बिस्तर जिस तरह से बिल्कुल सलीके से सजा संवरा था, बिल्कुल साफ सुथरा था, अगर उस पर कोई चढ़ता, 4-5 लोग चढ़ के उसकी बॉडी निकालते तो वो उसकी अवस्था जो है उथल पुथल वाली हो जाती, लेकिन बिस्तर बिल्कुल करीने से तरीके से सजाया गया था, इसका मतलब कि उसे मार के कहीं सिर्फ लिटा दिया गया था। तीसरी बात यह कि उनके ही एक सर्वेंट ने कहा कि वो 15-15 मिनट में आके देखा करते थे कि सुशांत क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसने दरवाजा बंद कैसे था, दरवाजा बंद क्यों था। तीसरी बात या चौथी बात यह कि वो चाबी वाले जिसकी इतनी अहमियत थी वो कमबख्त वो गया कहां, पुलिस ने उसकी उसकी उसमें तफ्तीश क्यों नहीं की, उसकी उसे जांच पड़ताल क्यों नहीं की, उसे इंटरोगेट क्यों नहीं किया, उसे क्यों नहीं बुलाया, वो आज तक दिखा नहीं। जो रिया चक्रवर्ती की महेश भट्ट के साथ व्हाट्सएप पर बात हुई है, पता है आपको, सबसे पहले लगभग तारीख जितना मुझे याद है 16 जुलाई थी, जब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि मैं गर्लफ्रेंड हूं सुशांत की, आप सीबीआई जांच कर दीजिए गृहमंत्री जी, फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं मुंबई पुलिस ही जांच करे। 8 जून को कोर्ट में ये कहते हैं कि सुशांत ने कहा था कि तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन वो महेश भट्ट से बात करके कह रही है कि आयशा कह के वो कह रही है आयशा हैज मूव्ड ऑन, धन्यवाद कह रही है, वो आगे ये भी कहती हैं कि डेस्टिनी इज ग्रेट कि आपसे मुलाकात हुई है, और कोर्ट में ये कहा कि सुशांत ने कहा था इसलिए मैं चली गई थी 8 जून को। ऐसे ही रिया चक्रवर्ती पर पिता ने पटना में FIR दर्ज कराई, उसके बाद एक एक करके सब जो अभी तक अंडरग्राउंड थे वो सारे आने लगे मीडिया में, सिद्धार्थ पठानी उनको बचाने के लिए आ गए, जितने भी लोग थे उसके बाद सब सर्फेस करने लगे। तो ये भी बताता है कि मतलब जैसा आपने कहा कि कई चीजें हैं जो एडअप करती नहीं है, कई चीजें हैं जो बहुत ज्यादा शक पैदा करती हैं। शक की सुई जो है वो बहुत ही स्वाभाविक तरीके से सब तरफ जा रही है, क्योंकि लोगों में के वर्शंस में इतने डिस्क्रिपेंसी है कि बॉडी किसने उतारी, उसके 3 वर्षन
एम्बुलेंस वाला कहता है मैंने उतारे, एम्बुलेंस का ओनर कहता है पुलिस ने उतारे, पिठानी साहब कहते हैं मैंने उतारे। भाई आप लोग आपस में तय कर लीजिए, अगर आपने किरदारों को बांटा है तो लाइंस भी तो सही देनी चाहिए थी। इसकी लाइन वो बोल रहा है, उसकी लाइन वो बोल रहा है, इन्होंने कैरेक्टर ही मिक्सअप कर दी क्योंकि बुरे एक्टर थे, रिहर्सल ठीक से नहीं की थी, शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये तूफान जो है बिल्कुल पलट के उनके उनके सर पे आ जाएगा, इसलिए वो तैयार नहीं थी, इसलिए सब असमंजस में है। आप देखते हैं कि सबकी जबान लड़खड़ाती है बोलते वक्त, कुछ सोचते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, फिर खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं। सुसाइड में पोस्टमार्टम हो और उसमें ये ना बताया जाए कि कितने घंटे पहले मौत हुई है। आप सोचिए आज उनके वकील ने बहुत बड़ी बात ये उठाई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी सारी लैप्सेस है, क्या एसओपी क्या था मुंबई पुलिस का, कर क्या रहे थे वो? वो तो ईश्वर ही जानता है, खुदा जानता है वो कर क्या रहे थे कि पोस्टमार्टम जहां हो रहा था, कल जो मैंने विश्वास देखे वहां रिया को अलाउ किसने किया, वो चली वहां कैसे गई, मतलब कोई खेल तमाशा हो रहा है, ये हो क्या रहा है? एक तरफ आप कहते हैं कि दिशा जो है, दिशा सैलियन जब वो गई, उसकी भी कई थियोरीज है, वो मरी या उन्होंने आत्महत्या की, कोविड की वजह से दो दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम, दो दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम होता है। तो फिर सुशांत के पोस्टमार्टम में इतनी क्या जल्दी थी कि आपने शाम में ही कर डाला? क्या कोविड यहाँ अप्लाई नहीं होता था? कोविड सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को अप्लाई होता है। दिशा के मामले में हो गया, सुशांत के मामले में नहीं हुआ। ऐसा लगा कि सबको बहुत ज्यादा हड़बड़ी थी हर चीज रफा दफा करने के लिए, उसका तुरंत पोस्टमार्टम करो, तुरंत क्रियाकर्म करो, रफा दफा करो, खत्म करो सब चीज ताकि कोई सुराग ना बचे। फोरेंसिक एक्सपर्ट 24 घंटे लेट आते हैं। सुशांत का जो कमरा है वो एक महीने के बाद सील किया जाता, वो एक टूरिस्ट स्पॉट हो गया था कि आओ घूमो और जो कुछ भी तथ्य है सुराग उठा के घर चले जाओ। मतलब कोई ये तमाम चीजें जो है वो बहुत हैरतअंगेज, इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि ये सब क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था, इसका क्या जवाब, और ये देर क्यों हुई। अब दूसरी बात आपको बता दें अजरा जी, पुलिस कहती है ये आत्महत्या का केस है, चलिए हमने मान लिया ये आत्महत्या, हम मान लेते हैं आपकी बात, आप बहुत सक्षम है, ये आत्महत्या का केस है, फाइल बंद कर दीजिए। फिर आप ये क्वेश्चन किसके लिए करें, अगर आत्महत्या ही है तो फाइल बंद कर दीजिए, फिर 50-60 दिनों तक 50 लोगों को आप किस बात से इंटरोगेट करें? ये तभी होता है जब जल्दबाजी में कोई इस तरह का काम किया गया होता है और लोग समझते हैं कि चूंकि पहले हम लोग यू नो वी गॉट अवे विद ब्लू मर्डर, हम पहले निकल के बाहर आ गए थे, इस बार भी निकल आएंगे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक तस्वीर जो है इनकी जान की आफत बन जाएगी और वो सब कुछ कहती और इतने सारे लोग आ गए और पुलिस भी इसके लिए तैयार नहीं थी, लोग भी बाकी पूरी पूरा जो तंत्र है सिस्टम वो तैयार नहीं था। अभी देखिए 5 डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किए थे इकट्ठे ही लीव पे चले, भाई एक ही परिवार के हैं 5 डॉक्टर, साथ में पिकनिक बनाने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किधर गए, कहाँ घूम रहे हैं? तो इन सबको बुलाया जाए, इन सबसे बातचीत की जाए तफसील से, सब आगे चल रहे हैं इधर उधर सब, अब इतने वक्त में तो जितने सुराग है वो तो मिटाए जा सकते हैं ना, ये तो सामान्य ज्ञान है कि ऐसा हो सकता है। और फिर उनको ऊपर हॉस्पिटल ले गया है, जबकि पास में दूसरे अस्पताल भी थे, दो एम्बुलेंस, दो स्ट्रेचर्स, मतलब एक ऐसी कहानियां तो हमने फिल्मों में देखी या क्राइम शोज में देखी इस तरह के होते हैं। फरवरी में फोन करके व्हाट्सएप के जरिए डीसीपी दैया जो उस वक्त बांद्रा के डीसीपी थे, उनको ओपी सिंह जो कि बड़ी बहन के पति हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया था, उन्हें कॉग्निजेंस लिया, उन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया और ये सब एडमिसिबल होता है कोर्ट में। एक बार अगर आप एक पुलिस अधिकारी के तौर पर कॉग्निजेंस ले लेते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी देख लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस पर कार्रवाई क्या की आपने बताना पड़ता है। और ये लोग इतनी महत्वपूर्ण चीज बांद्रा पुलिस स्टेशन में होने के बावजूद जिसमें परिवार ने रिया की शिकायत की थी उस लीड पर बिल्कुल नहीं पड़े। और विकास सिंह वकील का कहना है कि उल्टा परिवार वालों को कहते थे कि आप प्रोडक्शन हाउसेस का नाम लीजिए, हम उनको बुलाएंगे पूछताछ के लिए, आरोप विकास सिंह ने लगाया है, वकील है सिंह जी मालूम जी। और फिर आप देखिए कि जब मामला आगे बढ़ा तो सारे इल्जाम जो है वो परिवार पे लगने शुरू हुए, वो ऐसे थे, वो फलां थे, वो इस तरह से थे, उनके पिताजी ने 2 शादी की, मैं कहता हूँ 10 शादी की, उसका हत्या से क्या मतलब, उनके चरित्र पर तो लांछन ने लगाई, जाने वाला तो चला गया, वो तो आके बोलेगा नहीं, कुछ बोल नहीं सकता, तो आप उसके पीठ पीछे उसके बारे में कुछ भी बातें कर रहे हैं। डिप्रेसिव था, हाइपोमेनियाक था, बाइपोलर था, ट्राइपोलर था, जाने कौन कौन सा पोलर उसको बता दिया। भाई अगर वो अपने जाने से एक दिन पहले 4 फिल्मों को लेकर एक्साइटेड था और सबसे बातें कर रहा था, निखिल आडवाणी जी से भी बात कर रहा था, शायद रूमी जापी से भी बात कर रहा था, वो हर किसी से बात कर रहा था, तो वो जाहिर है कि एक फ्यूचर के बारे में अपना सोच रहा था और वो एक्साइटेड था अपना फिल्मों को लेकर। तो अचानक एक रात में ऐसा कुछ क्या हुआ कि उसने कहा कि बस अब बहुत हो गया, मुझे अपनी जान लेनी चाहिए, और वो सुसाइड नोट छोड़ के भी नहीं जाता, ये तो मैं कहना ही भूल ही गया। सुशांत जिस किस्म का उसका व्यक्तित्व था और जो डायरी मेंटेन करता था, ये अलग बात है कि डायरी के पन्ने भी फाड़ दिए जो अहम चीजें, और वो चीजें दिखाई गई जो इनके फायदे की, जो पता नहीं उसकी हैंडराइटिंग में है या नहीं, वही तो लोग हैं जो इसके पीछे। अब रिया जो है उनके भी इतने सारे वर्जन है, अब उन्होंने जाके 8 तारीख को जब गई, फिर उन्होंने सुशांत को ब्लॉक कर दिया, किस वजह से ब्लॉक किया, फिर वो और उनके भाई डायरेक्टर थे, अब वो कह रहे हैं कि फंड एम्बेजलमेंट में भी इन्वॉल्व है, मुझे नहीं मालूम उसमें कितनी सच्चाई है, पर कुछ ना कुछ तो सच्चाई हुआ अगर उठ रहा है, आग तो है कहीं ना कहीं। शेखर सुमन जी की बात सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस मामले में सच तो कई छुपे हैं, पर आखिरकार जैसे शेखर सुमन जी ने दावा करा कि स्टाफ मेंबर्स जिस तरीके से स्क्रिप्ट बता रहे थे या फिर याद नहीं कर पाए थे, तो
तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ बोला कि वो एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस नहीं है, इसलिए उनको अच्छे से स्क्रिप्ट याद नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं उनकी ये बात बोलनी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि आखिरकार उनको भी शुरुआत से शक था कि इस मामले में जो स्टाफ मेंबर है उनके जो दावे थे, उनकी जो बातें थी, वो कहीं ना कहीं गलत थी और कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठने चाहिए थे। तो आपको क्या लगता है, मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।